top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. और ये निकलते हैं और अगले दिन सुबह जो है अखबारों में वैसाखी लिस्ट निकल आती है जिसमें इनके नाम। अब ये लोग दुर्दम पड़ जाते हैं कि क्या हो गया, तो सारी जिंदगी हम भागते रहे या फिर वापस जेल के अंदर घुस के और अपनी सजा माफ करवा के बाहर निकले। जेल में वापस घुसना कौन सा आसान है, उस चीज के ऊपर जो है ये कॉन्सेप्ट ड्रिवन फिल्म है। आई थिंक वन लाइन आइडिया पता नहीं आज ट्रेलर दिखाना चाहिए था, बट सो उससे आपको समझ में आ जाता सारा कि क्या है। बट ये है कि नॉर्मली कहानियाँ होती हैं जेल तोड़ के बाहर भागने की, ये कहानी है वापस जेल के अंदर घुसने की। जेल के अंदर गए हैं और कैदी बने हैं, बट पूरी फिल्म एक मतलब कैदियों के ऊपर और किस तरीके से वो भागते हैं। ऑब्वियसली वो जब बाहर आते हैं तो पूरा चंक जो है वो बाहर, कभी आपको ऐसा नहीं कि पूरी पिक्चर जेल में ठोकती है, ऐसा नहीं है। मगर जो है एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, पर यही था कि हम लोग वैसाखी का जो टाइम होता है उस टाइम पे आप देखेंगे कि ये अभी दो तीन दिन पहले वैसाखी गई है तो गर्मी हो जाती है, मगर इस वो तो वही दो दिन दिखाने थे ना, एक दिन पहले जब ये भागते हैं वहाँ से और एक दिन बैसाखी वाला दिन जिस दिन ये फंक्शन हो रहा है जेल के अंदर और इनको वापस घुसना है उसके अंदर, वो टाइम गर्मी का होता है। हम लोगों ने शूटिंग की फिल्म की नवंबर और दिसंबर में, जबकि पूरी कड़ाके की ठंड हो और टाइम वैसा दिखाना था तो ऑब्वियसली ना तो ऊपर से कंबल दे सकते थे, ना कोई जैकेट, ना कोई कुछ। और ठंड में कई बार हम लोग रात को शूट कर रहे होते थे तो कैमरा मैन कट करो कट करो, इतना इंटेंस सीन चल रहा है कटवा के, वो अरे पीछे से धुंध जा रही थी। अप्रैल में नहीं दिखा सकते ना कि धुंध है, ऐसा ऐसे टाइप के एक्सपीरियंसेस थे, मगर बहुत मजा आया फिल्म को शूट करने में। और यहाँ आके भी अच्छा लगता है पंजाबी फिल्मों के लिए, यहाँ आके